हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया? कौन से जगह पे बुलाता है? कौन है समीर? मजाक मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। देखो तुम बाहर निकलो, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। ये कौन सा सिलेंडर है? गॉड, ये सिलेंडर यहाँ कैसे? मुझे समीर को बताना ही होगा, इसकी फोटो निकाल लेती हूँ। खाना तुम? गायत्री नाम है ना तुम्हारा? बहुत शौक है तुम्हें तस्वीरें खींचने का, पर इस बार तुम गलत जगह पर आ गई अपना शौक पूरा करने के लिए। देखो देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से कुछ कहने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। देखो देखो मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूँ तुम्हें? छोड़ दूँ? सर कैसे हैं आप? अरे आओ, मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी फाइल नहीं लेकर आए तुम लोग? हॉस्पिटल में फाइल? सर क्या बात कर? सर मेरी वाइफ ने आपके लिए सूप भेजा है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेडी, थैंक यू। तुम्हारी वाइफ को मेरी तरफ से स्पेशली थैंक यू कह देना। सर मार्केट में कुछ बहुत अच्छे आम आए थे, आपको आम पसंद है तो ले आया मैं। दया आम लेकर आया, फ्रेडी सूप लेकर आया, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऑर्डर है, मुझे कुछ भी खाना पीना मना है। क्या आपको कुछ भी नहीं खाना? सिर्फ दवाइयाँ। और सर ये सब क्या है यहाँ पर? आपने तो यहाँ पर छोटा सा CID ब्यूरो खोल रखा है। सच कहूँ ना तो यहाँ हॉस्पिटल में आकर पछता रहा हूँ मैं। अरे पता है जब तक ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं होता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अरे सर थोड़ा आराम करिए ना, अब यहाँ भी आप मुजरिम और केसेस के पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। देखिए ये हॉस्पिटल का वार्ड है, आप प्लीज ये सब कुछ बंद कर दीजिए। मैम हम सब CID वाले, मैं CID से हूँ। यहाँ इस हॉस्पिटल में आप सिर्फ एक मरीज हैं और मैं इस हॉस्पिटल की मैट्रन हूँ। यहाँ पे मेरा हर ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। चलो अच्छा है, कुछ दिन तक ACP साहब को भी किसी की ऑर्डर माननी पड़ेगी। क्या बड़बड़ा रहे हैं? अब कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखिए ऑपरेशन है और ये टेबल आपकी दवाइयाँ और सलाइन की बॉटल्स रखने के लिए इस्तेमाल होगा, तो प्लीज आप सब कुछ यहाँ से हटाइए। देखिए मैम अगर आपको दवाइयाँ रखनी है तो आप दूसरा टेबल मंगाइए, यहाँ पर रखिए, उस पर रखिए आप ये सब। देखिए इसकी जरूरत है मुझे। आपको जिन चीजों की जरूरत है वो आपको हम दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने बड़े होकर भी आपको बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। क्या हाँ क्या है? अरे समझाओ इन्हें। सर ये ठीक ही तो कह रही हैं, आप इलाज के लिए आए हैं, आराम करना जरूरी है, आपको आराम की जरूरत है।
ये क्या है? क्या है ये गन? मैम ये गन आप ये गन इनको दे दीजिए। देखिए मैम, हम सीआईडी वाले अपनी गन को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं 24 घंटे। आप यहाँ पे सिर्फ एक मरीज हैं और आपको इस गन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। दे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगा इसको। चलिए बेड पे लेट जाइए। अभी लेट? मैंने कहा बेड पे लेट जाइए। जाइए सर, जाइए। मैं नर्स को बुलाती हूँ। पहली बार देख रहे हैं इसी पेशाब को किसी और से ऑर्डर्स लेते हुए। यस मैम। तुम? लेकिन इनकी देखभाल तो गायत्री कर रही थी ना? हाँ, पर वो कहीं मिल नहीं रही। मिल नहीं रही मतलब? पता नहीं मैम, वो कहाँ चली गई। मैंने उसके मोबाइल पर भी ट्राई किया था पर कॉल जा ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आ नहीं जाती तब तक सर की देखभाल मैं ही कर लूंगी। ऐसे कैसे कोई बिना बताए गायब हो सकता है? चलो देखते हैं। ओके। क्या हुआ सर? ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ दया, नर्स गायत्री के बारे में सोच रहा था। जब से मैं आया हूँ वही देखभाल कर रही है मेरी, और अच्छा देखभाल करती है। लेकिन ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई? कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। गायत्री, सर गायत्री का कुछ काम आ गया होगा इसीलिए वो घर चली गई होगी। मान लिया कि वो घर चली गई, मगर किसी को तो पता होता ऐसे अचानक गायब होना सही नहीं लगता। फिर तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो सर, मैं डॉक्टर कुमार, इस हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर। इसे भी प्रद्युमन, आप लोगों को कौन नहीं जानता सर। ये तो हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आप जैसे महान हस्ती के लिए कुछ कर पाएंगे। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हमें? बिल्कुल नहीं सर, रोज रोज कहां ऐसा मौका मिलता है आप जैसे वीवीआईपी से मिलने का। बाय द वे सर, ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर राकेश जो आपका ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर वेद जो इन्हें असिस्ट करेंगे, डॉक्टर ऋषि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। वेल, मैं ऑपरेशन तो आज ही करना चाहता था लेकिन क्या करूं, एक के बाद एक दो सर्जरीज है। आई एम रियली सॉरी, आपको कल तक इंतजार करना होगा। चलो तो मैं बच गया आपके हाथों आज। अरे सर। हाँ वैसे ये मेटन, गायत्री का कुछ पता चला? जी अभी कुछ पता नहीं चला, पर पता नहीं यूं बिना किसी से कुछ कहे कुछ बताए कहाँ चली गई। हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर स्टाफ में अनुशासन रहना चाहिए ना। क्यों ऐसी भी सर, हमारी मेटन सीआईडी की तरह ही अनुशासन रख पाती है या नहीं? अरे हमसे भी बढ़कर, बड़ी खतरनाक है हमसे ये। अच्छा सर आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। जी, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कम। वैसे आप लोगों के विजिटिंग आवर्स अभी खत्म हो चुके हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है तो आप लोग प्लीज। बस 2 मिनट, हम लोग निकल रहे हैं। ओके। देखा ना अनुशासन। वैसे अगर देखा जाए तो इस हॉस्पिटल के नियम इतने सख्त है, फिर भी गायत्री बिना किसी को बताए बिना परमिशन लिए ऐसे गायब कैसे हो सकती है? सर आपने तो यहाँ भी केस ढूंढ लिया। नहीं दया, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया क्या नहीं, लेकिन जब वो दूसरी नर्स आई थी ना, जब वो मेट्रन को गायत्री के बारे में बता रही थी तब कुछ घबराई सी लग रही थी मुझे। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल वाले ढूंढ रहे हैं, घर वर में होगी, पता चल जाएगा, आप आराम कीजिए। हाँ मिल जाएगी तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, कल आना। यस सर, कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। बाय बाय। गायत्री कहाँ गायब हो गई, कैसे? अभिजीत,
तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। खैर, अगर तुम उस गायत्री नर्स के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, वैसे एसीपी साहब की सिक्स सेंस 99% ठीक ही होती है, तो तुम्हें भी लगता है कि मामला गड़बड़ है। तुम्हें भी लगता है वो गायत्री कुछ खतरे में, मामला गड़बड़ है शायद, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे बैठे एसीपी साहब के पास कोई केस तो है नहीं, तो शायद ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। कल तक देखते हैं, गायत्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लग जाएंगे नए केस पे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूँ। वैसे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? ये तो कानून की किताब है। मेरी भी दिलचस्पी ना कानून को लेकर के हमेशा से रही है। बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर एक को कानून के बारे में दिलचस्पी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर ये मैं एक्चुअली आपके लिए दो दवाइयाँ लेकर आई थी। आज दिन भर की तो सारी दवाइयाँ ले ली मैंने। मुझे पता है सर, पर क्या है ना कि डॉक्टर आपको ये दो दवाइयाँ देना भूल गए थे। अभी अभी फोन आया था उनका, कह रहे थे कि आपके सेहत के सुधार के लिए ये दवाइयाँ बेहद जरूरी है। अब पानी लेकर आती हूँ। सर थैंक यू। स्मिता जरा बिस्तर ठीक करोगे? अरे क्यों नहीं सर। कितना काम करती हो स्मिता? नींद की दवाइयों का असर हो गया है। एसीपी सर गहरी नींद में सो गए हैं।
बाबू यहाँ? स्मिता, तू ये गायत्री के बैग के साथ क्या कर रही है? तुझे मालूम है, गायत्री पिछले 2 घंटे से गायब है। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को लग रहा है कि वो अपने घर गई, लेकिन नहीं, अपना बैग छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। गायत्री की बैग यहीं पर है, ये कुछ और ही चक्कर है। अरे बुद्धू, जरूर डॉक्टर समीर से मिलने गई होगी, प्यार में लोग ऐसे ही मिलते चुपके चुपके से। शायद तो सही कह रही है। डॉक्टर समीर, आपको कुछ चाहिए? नहीं यार, ऐसे ही मैं राउंड पे जा रहा हूं। सीने में गोली मारी है। डॉक्टर समीर, पता है मुझे
तुम यहीं इन लाशों के बीच में छुप कर बैठे हो, लेकिन ज्यादा देर छुप कर नहीं बैठ सकता तू मेरे से। ढूंढ कर जरूर निकालूंगा मैं तुम्हें। बेचारी गायत्री घर पहुंची नहीं, किसी ने मार डाला इसे। पर क्यों मारा उसे? जरूर गायत्री ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जानती थी, इसीलिए तो। मतलब मेरा शक सही निकला, पहले डॉक्टर समीर और अब बेचारी गायत्री। तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से, आ रहा हूं मैं। मुझसे मिलकर गई, उसके बाद में मैंने इस बेचारे को देखा भी नहीं। बहुत अच्छी लड़की थी सर, अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई सारे अरमान थे इसके दिल में, सब अधूरे रह गए। जिसने भी ये किया है ना, वो नहीं बचेगा हमारे हाथों, बहुत जल्द पकड़ में आएगा। मगर इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम सब तरह से आपको पूरा सहयोग देंगे सर। एक रिक्वेस्ट है। क्या? कोशिश कीजिएगा कि इस अस्पताल के बाकी मरीजों को परेशानी ना हो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके हॉस्पिटल के किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट में कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। और एक जरूरी बात जी, आपके स्टाफ में से कोई भी ये हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जब तक कि हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती। कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। श्योर सर। अब मैं अभी बाकी स्टाफ मेंबर्स को ये ऑर्डर पहुंचवाता हूं। थैंक यू सर। लेट्स गो। बड़ी अजीब बात है सर, गायत्री और समीर एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों का ही खून हो गया। सर हो सकता है इन दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आ गया हो जिसे इन दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं था। और ये भी हो सकता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ बातें चल रही हो जो सही नहीं हो, और ये दोनों जान गए थे और शायद इसीलिए इन दोनों को रास्ते से हटा दिया गया। असर जो कोई भी है सबके पीछे वो अभी इस हॉस्पिटल में ही होगा। हाँ दे, लग जाते हैं काम पे। सर हम गायत्री के लाश से शुरू करते हैं, शायद हमें इसके लाश से कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जो हमें खूनी तक ले जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सीआईडी वालों ने अपनी तहकीकात जोरों शोरों से शुरू कर दी, लेकिन आज के मिशन का क्या करें? डिलीवरी दें या नहीं? डिलीवरी नहीं देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सीआईडी के होते हुए डिलीवरी देना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमें ये कैलकुलेटेड रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। सीआईडी को तहकीकात करने में वक्त तो लगेगा ही ना, और जब तक वो हमारे गिरफ्तार तक पहुँचेंगे माल अपने ठिकाने तक पहुँच चुका होगा और हम भी 9 to 11 हो चुके होंगे। पर अगर उनको ये पता चल गया कि गायत्री के कातिल हम ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार हम यूं फोर हो जाएंगे ना, फिर सीआईडी के शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सर
सर आप कई सालों से फोरेंसिक लैब जा रहे हैं, आधी फोरेंसिक साइंस तो आपको भी आ गई होगी। हाँ, डॉक्टर साहब के साथ इतने साल रह के हम भी थोड़ा बहुत सीख गए, पर डॉक्टर सालों के या तारिका खुद यहाँ होती तो और भी बेहतर होता। हाँ सर, लेकिन तारिका और डॉक्टर साहब तो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए हैं, जब तक वो आए कहीं देर ना हो जाए। यू आर राइट, तो आज के लिए हम ही फोरेंसिक डॉक्टर बन जाते हैं। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। इस लड़की के यूनिफॉर्म में मिट्टी लगी है, इसका मतलब इसे कहीं बाहर मारा गया और यहाँ गया। नहीं सचिन, बाहर बारिश हो रही है, अगर इसे बाहर से लाया गया होता तो मिट्टी गीली होनी चाहिए थी। बड़े देखो, ये सूखी हुई मिट्टी है, इसका मतलब है इसे मिट्टी हॉस्पिटल में कहीं लगी है। लेकिन सर हॉस्पिटल तो काफी साफ सुथरा है, यहाँ मिट्टी कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं तो होगा। ये देखो, बाया हाथ पे मिट्टी लगी हुई है। लेकिन बाया हाथ तो बिल्कुल साफ सुथरा है। शायद इसने अपने दाएं हाथ से कुछ साफ करने की कोशिश की होगी ठीक मारने से पहले। ठीक है, जरा ट्विजर देना। गायत्री के बालों में ये मकड़ी का जाला? मकड़ी का जाला? इसका मतलब खून किसी ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे महीनों से साफ सफाई नहीं हुई। लेकिन सर हॉस्पिटल को थोड़ी थोड़ी देर में फिनाइल से साफ किया जाता है, ऐसी जगह यहाँ कहाँ होगी? मुझे पता है वो कौन सी जगह है। चलो गया, यही तो था अभी। सर, सर कुछ मदद चाहिए? नहीं सर, क्या ढूंढ रहे सर? वो कुछ नहीं, मैं तो बताओ जल्दी। सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? सर वो परसों चोट लग गई थी मेरे को। चोट लग गई? हाँ सर, यहाँ पर? हाँ सर। चलो देख लेता हूँ। सर बहुत दर्द हो रहा है सर। सर सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, यह हॉस्पिटल का बेसमेंट ही वो जगह है जहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई है। तहखाने में काफी सामान पड़ा हुआ है, ये दवाइयों के बक्से, ट्रॉली, स्ट्रेचर। एक काम करो, आसपास नजर दौड़ो, अगर ये गायत्री यहाँ पे आई थी कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। गायत्री का बैच। मतलब गायत्री यहां पर आई थी। ये देखो, देखा सीतने का निशान, ये देखो
गायत्री को शायद यहां तक घसीटा गया है। खून के धब्बे, इसका मतलब है गायत्री को यहां पे मारा गया इस जगह पे, और फिर यहां से घसीट के वहां तक ले जाया गया, और फिर किसी तरह से उसे ऊपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहां से मार के ऊपर ले जाया गया उसे। टूटा वो मोबाइल लगता गायत्री का है। ऐसा तो नहीं कि हाथापाई में टूट गया ये मोबाइल? हाथापाई में टूटा होता तो सिर्फ ये मोबाइल का स्क्रीन क्रैक होता, मोबाइल खुल जाता, मगर इसे तो चकनाचूर कर दिया गया है। किसी ने जानबूझकर तोड़ा, इसे जबरदस्ती तोड़ा है। इसका मतलब सर, इस मोबाइल फोन में जरूर ऐसी कोई खास चीज होगी जिससे मुजरिम को खतरा हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है गायत्री यहाँ फोन पे किसी से बात कर रही हो, या फिर किसी चीज की फोटो खींच रही हो। सर कॉल करना तो पॉसिबल नहीं क्योंकि बेसमेंट में नेटवर्क नहीं, लेकिन हाँ फोटो लेना ये हो सकता है। सर, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर पे किसी ने हाथ से साफ किया है सिलेंडर को। हाँ, गायत्री के दाएं हाथ में भी मिट्टी लगी हुई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गायत्री ने साफ किया, पर हो सकता है फोटो भी लियो। सिलेंडर पे CO लिखा हुआ है। CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओह नो, इतनी जहरीली गैस यहां किस लिए? देखो जरा इसका पाइप कहां पे कनेक्टेड है। ये पाइपलाइन तो ऊपर जाती है। जरा से पकड़ना, चलो सचिन चल के देखते हैं। सर ये वेंट तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में आके खुलता है। किसी का ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, ये तो डॉक्टर राकेश है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, मोनोऑक्साइड गैस का ऑपरेशन थिएटर से क्या लेना देना हो सकता है? देखते हैं। ओह नो, इन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? तुमने इन्हें वो दवाइयां नहीं दी जो मैंने तुम्हें देने के लिए कही थी? मैंने दी थी डॉक्टर, पर पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। डिफिब्रिलेटर तो जल्दी से। जल्दी से इंजेक्शन दो। हमने ने खो दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फेल लोग हैं? इनके परिवार वालों को बुलाओ। अब समझ में आया सर। चलो बताओ जल्दी, इसे बुद्ध बनकर खड़े रहने से कोई काम नहीं होगा। मुकुल बताए सारा चक्कर क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बता। कैसा सच? क्यों गए थे तुम डॉक्टर समीर के ऑफिस में? मैं तो वहां पर साफ सफाई करने गया था। साफ सफाई करने गए थे? सर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ छोड़ दीजिए, वैसे इसके कपड़े भी गंदे हो गए सर।
धुलाई की जरूरत है, ले जाओ। नहीं सर, इस पहलवान के पास मुझे मत छोड़ना, जान से मार देगा मुझे। बेटा, पहलवान बनने के लिए नियत और दिल साफ रखना पड़ता है। तुम जैसे लोग जो गलत काम करते हैं ना, यही हालत होता है। अब चल ये बता कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। एनेस्थेसिया के लिए इस्तेमाल होने वाले नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर के पास कार्बन मोनोऑक्साइड के सिलेंडर किसने रख दिए और क्यों? हाँ, मरीजों को क्यों मारा जा रहा है जानबूझकर? बोल। आज एक और ऑपरेशन होने जा रहा है। क्या? साक्षी नाम की एक औरत है, हो सके तो उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ऑपरेशन? मेरी साक्षी ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर साहब, साक्षी के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बोलिए ना। डॉक्टर साहब मेरी भाभी ठीक तो हो जाएगी ना? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, यू समझ लीजिए कि मौत के मुंह से बचकर बाहर निकली है वो। घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। माल लाए तो है लेकिन पूरा नहीं है। क्यों? बाकी का क्या आपने दहेज के लिए रख लिया? साक्षी बच गई, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। ऐसे कैसे कामयाब हो गया? मरी कैसे नहीं वो? वो किसी ने जहरीली गैस का वाल्व बंद कर दिया था। किसने बंद किया? वो तो पता नहीं। तो आखिर पता क्या है तुम निकम्मों को? दिखाओ क्या लाए हो। मरीज का दिल और दो किडनी। ठीक है, इस बार तो काम चला लूंगा, लेकिन अगली बार कोई भी चूक हुई ना तो तुम दोनों की किडनियां और दिल निकलवा लूंगा, समझे? माल दिखाओ। डॉक्टर राकेश, ऋषि, क्या बात है? तुम्हें क्या लगा डॉक्टर कुमार भी तुम्हारे साथ है? तुमसे ऑर्गन खरीदने वाले थे वो, उन्होंने हमारी मदद की, हमारी मदद तुम लोगों तक पहुंचने के लिए। बात तक आए, जलने का निशान, ये निशान तो मैंने तभी देख लिया था जब डॉक्टर समीर के कैबिन में तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। ले जाओ इन्हें। बहुत जल्दी में लग रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मैट्रिन मैडम, डॉक्टर राकेश और ऋषि दोनों पकड़े गए और वो दोनों आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे तुम तीनों को अपने अस्पताल का हिस्सा बताते हुए। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे क्यों? इतने सारे मरीजों ने तुम पर भरोसा करके अपनी जान को तुम्हारे हाथों में सौंपा था और तुम लोगों ने क्या किया? एनेस्थेसिया की एड में जहरीला गैस दे दिया उनको और मार डाला उन्हें, और फिर उनके अंगों का सौदा कर दिया पैसों के लिए। घेन आती है तुम पर शायद। हाँ सर, समीर को जैसे इस राज की भनक पड़ी तो हमने उसे भी मार दिया। समीर के पास एक डीवीडी थी सर, जिसमें उन सभी मरीजों की लिस्ट थी जिन्हें हमने मारा था। और वही डीवीडी ढूंढने के लिए तुम डॉक्टर समीर के कैबिन में आए थे। वो डीवीडी तो नहीं मिली, मगर डॉक्टर समीर वो बेचारा अपनी जान गंवा बैठा इसके हाथों।
डॉक्टर समीर ने वो राज गायत्री के साथ शेयर किया। वो समीर ने गायत्री को तहखाने में बुलाया था ताकि वो उसे जहरीली गैस का टैंक दिखा सके। गायत्री ने सबूत के तौर पे उस सिलेंडर की फोटो लेनी चाहिए तो उसे वहीं पे मार दिया आप लोगों ने, क्यों? हाँ, और फिर मॉर्ग रूम में हमने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। पर मैं इस बात से अनजान था सर, और जाने अनजाने में मैं मॉर्ग रूम में छिपने की गलती कर बैठा। लेकिन जब आपको ये सब पता था तो फिर आपने साक्षी का ऑपरेशन रुकवाया क्यों नहीं? क्योंकि हम तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। जहरीली गैस के सिलेंडर का वाल्व हमने पहले से ही बंद कर दिया था, इसलिए बच गई। मैंने तो आपको अपना गुरु माना था सर, पर नहीं, मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा मगर आप जैसा डॉक्टर नहीं बनूंगा। ले जाओ इन्हें। एसीपी सर, I'm sorry, मुझे आपको नींद की दवाइयां देने के लिए कहा गया था, पर इन सबके पीछे का मकसद क्या था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने तो गोलियां खाई ही नहीं थी। सच? थैंक यू एसीपी सर, अगर आप और आपकी टीम ना होती तो इस अस्पताल में क्या क्या चल रहा है मुझे कभी पता नहीं चलता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। आप और आपके बाकी स्टाफ ने जो हमारी मदद की उसकी वजह से तो इन लोगों को हम जल्दी से पकड़ सके। और एक थैंक यू हमारी तरफ से आप सभी डॉक्टर्स को जो दिन रात निस्वार्थ निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा करते हैं। सर, आप सीआईडी वाले भी तो फर्ज के रास्ते पे ऐसे ही चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप मरीज की बीमारी को ठीक करते हैं और हम समाज की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा कहीं ना कहीं तो नाता जुड़ा हुआ है पहले से ही, और वो बरकरार रहे और आगे चलते ही रहे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।